आश्रम व्यवस्था की पालन करने के लिए चौथे पद में जो है सन्यासी होकर के रहना चाहिए। खासतौर से ब्राह्मण लोग तो इसलिए कहते हैं, ब्राह्मण को तो घर में मरते ही नहीं चाहिए, संन्यास को बोलते हैं, लेकिन बस तो ऐसे ही जीवन चलाते हैं। महाराष्ट्र को कहते थे कि ये जो दंडी स्वामी जो घूमते हैं ना, इनमें ज्यादातर रसोइया होती है, जब बुढ़े हो जाते हैं तो सेठ लोग अलग कर देते हैं, वो करते अब क्या करें, रूप दर्द दे करके रूप मानना होता है। तो कोई तत्व ज्ञान के लिए थोड़ी सन्यास लेता है। कर्म कोई भी हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे मन से किया हो चाहे बुद्धि से किया हो, ये भी जो हम शास्त्र का आरोहण निरोहण करते हैं, यदि इसका उद्देश्य मोक्ष नहीं है तो ये भी ऐसे ही है, ये भी कर्म ही। आप उपनिषद क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं तो विद्वान बने, उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ाते। महाराष्ट्र ने एक प्रवचन में कहा है, अध्ययन विधि अलग है और श्रवण विधि अलग है। तत्वज्ञान जो है वो श्रवण विधि से होता है, अध्ययन विधि से नहीं होता। श्रवण विधि वो है कि जो परीक्षण देख लिया संसार को, यहाँ कुछ है नहीं, कुछ मिलने वाले, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी गुरु की शरण में जाते हैं। अभी कोई बात कहने जा रहे हैं तो गुरु जी की शरण में जाए तो कैसे वो ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि सब कर्मों की अपेक्षा क्या दिया कि श्रेष्ठ है, ये बात बता चुके हैं। तो 34वें श्लोक में कहते हैं कि तत्विधि उसको जानो, इसको तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जानो, और जानो ही जानो, किसी और मकसद से नहीं, या तो मोक्ष लक्ष्य होना चाहिए और या तो ब्रह्ममय जीवन हो जाए, इसके कोई मोक्ष है। तद्विधि मोक्ष का अर्थ मरने के बाद की कोई स्थिति समझ लेते हैं कि मर करके हम फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, वो तो आनुषंगिक है। मोक्ष तो जीते ही होता है, विमुक्तर से विमुचित ये श्रुति है, जो जीवन काल में मुक्त हो जाता है वही मरने के बाद भी मुक्त रहता है, और जिसको जीवन काल में मुक्त नहीं हुआ है वो मरने के बाद अगर बहुत बड़ा उपासक और त्यागी वगैरह भी हो तो ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो। ब्रह्मा की आयु कितनी है, तब तक इंतजार करें। महाराज जी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसको जल्दी नहीं है, बोले कोई बात नहीं है, इतने दिन ब्रह्मलोक में पड़े रहे, लेकिन वो ब्रह्मलोक में नहीं, ब्रह्मलोक के सुख की इच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मलोक में है। तो वो सुख की जो उपासना है उसकी वजह से वो तत्व ज्ञान किसी जीवन में नहीं है। तो तत्विधि उसको जानो, जानने के लिए ही जानो। कैसे जाने भाई, कि प्रणपात परिप्रश्न से किसी गुरु जी की शरण में जाओ, और ये मुंडक उपनिषद की जो श्रुति है उसी का ये आवांतर है ये। परंतु वहाँ मुख्य बात जो है वो ये तो समझ में आ जाती है, परीक्षरोपान कर्म के बाद ब्राह्मणों दिनमेद माया नास्त्य कथा प्रदेन तद विज्ञानार्थम सद्गुरुदेवा विरक्ष। तो ये तो
पकड़ लेते हैं कि हाँ उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु जी की शरण में जाए, लेकिन कब जाए? परीक्षा लोकांत कर मुझे कहा, कर्म से जो लोग मिलते हैं, फल जो मिलता है उसकी परीक्षा करके देंगे वो सब विनाशी। जैसे इस लोक पर कर्म का फल विनाशी है, ऐसे ही परलोक पर भी कर्म का फल विनाशी ही होगा। तो न इस लोक के कर्मों को कुछ करना है और न परलोक संबंधी जो शास्त्रीय कर्म है न वो करना। ब्राह्मणों निर्वेद माया, ब्राह्मण को मिला के बनाना, या ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण तो है ही है, लेकिन जो परमात्मा को चाहता है तो वो एक उपनिषद ही ब्राह्मण शब्द की व्याख्या के लिए है। उसका नाम है वज्र सूचक उपनिषद, जोड़ दिया होगा जो कि छोटा उपनिषद है। तो पहले तो ब्राह्मण लोग ही कर्मकांड करते थे और उन्हीं की कर्म प्रवृत्ति होती थी, इसलिए ब्राह्मण शब्द यहाँ पर दिया होगा तो मुख्य अधिकार। महाराष्ट्र कहते हैं कि जैसे राजा जाता है तो राजा जाता है अकेला थोड़े जाए, तो उसके पीछे मंत्री भी होंगे, सेना भी होगी। तो ब्राह्मण कह दिया तो बाकी के जो और तीन आश्रम धर्म वो भी पीछे पीछे चलेगी। तो निर्वेद माया, निर्वेद को प्राप्त हो, मैंने वैराग्य को प्राप्त, किताब पढ़ के तो जैसे आग जल रही हो उसको थोड़ा सा छीटा दे दो थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है, फिर बिल्कुल। सत्संग से एक अतिरिक्त और कुछ उसकी दवा नहीं, नास्त्य कृता देना, जो अकृत रूप मोक्ष है माने जो किसी कर्म का फल नहीं है वो किसी कर्म से प्राप्त नहीं है। अब ये जो इस मंत्र का भाग है इसके ऊपर तो विचार कोई नहीं करता, तद विपरीत में उसके परीक्षा लोकांतरण कर्म ब्राह्मणों में वेद माया नाश त्याग कर तद विज्ञानार्थम, तो तद विज्ञानार्थम की जगह दिया कर दिया तद विधि, और स गुरु में भाव गच्छे वो गुरु जी की ही शरण में जाए। महर्षि ने वहां इसके अर्थ में लिखा है कि देव जो है गुरु जी की ही शरण में जाए, कोई ऐसे मटकू की शरण में जा सकता है वो आपको भटका देने जा रहा है, और अभिगच्छे पीछे से जाकर चरण ना पकड़े, सामने से जाकर समान पड़कर हमको हमको देख दिख पा दीजिए कि कौन है। अच्छा जी सामने भी पहुंच गए, बोले क्या करें कि कड़े बात है स्वामी जी ओम नमो नारायण। अब वैष्णव को ये पता नहीं है ओम नमो नारायण एक महात्मा दूसरे महात्मा से जब नमस्कार करता तब बोलता, तो गृहस्थ लोग कितने ओम नमो नारायण तब कितने बोलते, बस ऐसे ही नहीं जैसे तो अच्छा मान लो पता नहीं बोले नमो नारायण बना। आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारे प्रश्न प्रश्न नहीं परिप्रश्न
मन मोक्ष संबंधी जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सब प्रश्नों का उदेश करके प्रश्न करता। यहाँ भाष्यकार ने तो थोड़ा सा यहाँ लिख दिया है कथम बंधा कथम मोक्ष का विद्या का क्या विद्या, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, अभी चार बातें लिखते हैं। मतलब सारा वेदांत संबंधी जितने प्रश्न हो सकते हैं इसका विवेक मणि ने अच्छा प्रवचन किया है। तो शंकराचार्य ने इतने सारे प्रश्न हैं, मैं तो जला जा रहा हूँ महाराज, मुझे इस हाल से बताइए। तो परिप्रश्न करो, महाराज जी कहते हैं कि जो आकर के कहता है कि आप तो सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो, आप सर्व को कुछ होता वो जैसे ज्ञान नहीं होता है। जिज्ञासु जब तक प्रश्न नहीं करता है तब तक उसका हृदय नहीं मालूम पड़ता वो कहाँ अटका हुआ है और कहाँ क्या चाहता है। अच्छा प्रश्न भी करेंगे तो मोक्ष संबंधी प्रश्न अरे संबंधी एक बात थी कुछ लोग संबंधी या कर्म संबंधी प्रश्न काशी रखनी चाहिए माना कि कैसे रखनी चाहिए काशी की बात जो है किसी पंडित से पूछ लो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए और उस पर फंसा भी देगा क्या रखो और रख भी दिए लड़के का अध्यापन करो। हम तो समझते थे कि भूखे रहकर के अध्यापन कर रहा है तो उस दिन जो है भला हाथ करके उद्यापन हो जाएगा। हम तो दो दिन उद्यापन कराते हैं, एक दिन भला हाथ और एक दिन पक्का खाना और दान दक्षिणा उतना ही है जितना के शादी ब्याह में दिया जाए। बस क्या एकादशी रखो तो ठीक, उद्यापन की कोई जरूरत नहीं। आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए एकादशी रख रहे हो तो परलोक में जाने के लिए कर रहे हो, परलोक में जाने के लिए कर रहे हो तो जैसे पंडित जी बताते वैसे कर्म हो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो उनके लिए एक दिन भूखे रह गए 15 दिन में तो क्या फर्क है। उस दिन और कोई काम नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी ने शायद अमरीश के प्रसंग में लिखा है दशमी की शाम को न खाए और एकादशी को दोनों टाइम न खाए और द्वादशी की दो बहस बजाकर के पकड़ा। अब या तो दशमी छोड़ नौमी कोई एकादशी का किया क्या बनेगा वो और उनको प्रोग्राम बना लिया उनको क्या बनेगा। एकादशी मैंने एक दृष्टांत के रूप में दिया मुझे कोई एकादशी से तो परिप्रश्न है लोग परमात्मा संबंधी आत्मा संबंधी उनकी एकता संबंधी मोक्ष संबंधी मैं जहाँ फंसा हुआ हूँ वहां से कैसे नहीं अपना बंधन तो प्रकट करे। परिप्रश्न तो उसका पता चल जाता है लोगों को चाहता क्या है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। सेवा प्रश्न तो कुछ नहीं है तो कुछ मैनेजमेंट लाए और इन्हें भूल गया
स्थिति है तो पता चल गया था कि उसको वो आदमी जो सीरियस नहीं है।
गुरु जी तो बजाएंगे। गुरु जी की पहचान के लिए ये कैसा पहचान है कि ये गुरु हमारे गुरु होने योग्य है। रामकृष्ण परमहंस देव तो कहते थे कि गुरु को दिन में देखो और गुरु को रात में देखो। दिन में तो उनका एक्सटीरियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता और रात में तो अकेला होता है, उस समय देखो वो क्या करता है। तो परमहंस जी जो है वो रात को आश्रम से उठ करके और हुगली गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। अब उनका तो भांजा सेवा में था, अच्छा वो शारदा बाजे थे वो ऊपर के मंदिर बने थे। तो वो भांजा सोचता था कि ये मामा जो है ये ज्ञानी नानी कुछ नहीं है, लोगों को फंसाने के लिए काम करता, तो ये रात में कहाँ जाता, माँ के पास जाता। अच्छा एक दिन जो है उसके पीछे पीछे वो चला, अब वहाँ तो भूली में पहुँच करके उसने देखा कि बाबा ने सारे अपने कपड़े उतार दिए, जितना के नंगे होकर के बैठ गए समाधि लगा। तब उसकी समझ में आया तो जिंदगी तो दिन में देखो रात में देखो ये परमहंस जी बोलते थे। इसमें आठ या नौ अक्षर किए विवेक चुनाव श्रोत्रियो अभ्रजनो अकाम हेतो ब्रह्मविद्धमा ब्रह्मणी उपरता शांतो निरंधन एव अनिल निरंधन एव अनिला अहे तो दया सिंधु बंधुरा ममता सका। ये विवेक नाम लिखे 34 और 35 विश्व इनसे पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति हमारा गुरु होने लायक है। आजकल जरा गुरु को गुरुडम कहकर के पहचान कर देते हैं। स्वामी स्वामी सर्वराधा कृष्ण ने भी जो गीता लिखी है उसको उन्होंने लिखा है कि श्लोक कि गुरु तो करो मगर गुरु की गुलामी मत। ये नहीं कि वो जो कुछ कहे सो ब्रह्म वाणी, उसको एग्जामिन करने का अपना जो हक है उसको गिर भी मत रखें। ये बात गुरु अगर आपने समझ लिया कि हमारा गुरु होने लायक तो वो जो कुछ भी कहता है उसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहार संबंधी भी कोई बात होगी तो आप फिर योग्यता देख करके बोलेंगे। स्वामी जी जब आए थे शायद उनसे कहा था या नहीं कहा था, मेरे साथ तो पता डॉक्टर है तो हमारे लिए डिस्पेंसरी खुल डिस्पेंसरी करवा रहे। तो इन्होंने मना कर दिया, अगर वो कुछ करने के लिए भी कहते हैं या तो वो आपको देख रहे हैं केस का
कितने गहरे पानी में, और यह आपकी योग्यता को देख कर। तो एक तो श्रोत्री हमें चाहिए, ये बात तो हुई थी, और अपरिजना उसके जीवन का कोई पाप नहीं, पाप कोई है जिसको आप छिपा करके कर। अगर आप पाप नहीं करते तो जो कुछ करते हो जाकर कुछ अगर करो। अपरिजना अकाम है तो कुछ करना बाकी है, आश्रम को साथ में आसमान को पहुंचाते हैं, पहुंचा तो वहां से भी गिरेंगे, आज तक तो कोई नहीं साथ में आसमान को पहुंचा, कोई आगे की प्लान नहीं, कोई पीछे की प्लान नहीं, कोई वर्तमान की कोई कामना ही नहीं, ना अपने लिए ना अपने कहे जाने वाले। जो ब्रह्म विद्यमान और ब्रह्म ज्ञानियों में जिसकी ये चर्चा हो कि भाई ये ब्रह्म ज्ञानी सबसे बड़ा, आज भी जब कहीं जाते हैं ना महाराज जी का नाम ले दो, सबके मुंह से एक ही बात अरे मुझ जैसा विद्वान और ब्रह्म पीछे भी जिसकी तारीफ हो बड़ी खुशी की होकर तो सब तारीफ कर। ब्रह्मणि उपरत है और उसकी वृत्ति जो है ब्रह्माकार रहती है, ये नहीं ब्रह्म में डूब गए, अब शिष्य चाहे तो उसे ठीक से बाहर निकाल दो। हमें कोई शौक नहीं है कि हम शिष्य को जो है उपदेश कर। ब्रह्मणि उपरता शांतो जलंधर के बाद कितना शांत है वो, जैसे आँच में से ईंधन जल जाए तो सिर्फ गर्माई तो रहती है। महाराष्ट्र ने इसके प्रवचन में लिखा है कि हम शिष्य को जरूरत हो अपना सूखा भूसा उसके ऊपर डाल के मुंह मारे वो तो अपने स्वरूप में मालूम है। निरंधन के अगला और अहेतुक दया से सबके ऊपर बराबर उसकी कृपा है, किसी हेतु से नहीं कि ये श्रेष्ठ है देता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मतलब महात्मा बड़ा हो उसको कोई विशेष आदर सत्कार की बात होती है, लेकिन मन में उसके लिए कोई ऐसा बात नहीं है कि दूसरों से उसको गिरता नहीं चाहिए। अपरा समताम सताम स्वामी हितदास जी महाराज इन्होंने वो कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्राप्ति को देख के महाराज जी का वो वहां जबलपुर में पड़ा था, तो उस समय के घर नहीं थे लेकिन वैराग्य भी चढ़ा हुआ था, कृष्ण भक्ति भी चढ़ी हुई थी, एक एक के साथ ही थे बंसीधर पूरी दोनों। इन्होंने लेख को पढ़ा तो पढ़ते उनको लगा कि ये तो किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ है जिसको साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, पर मैं इतनी डिटेल्स नहीं दे सकता। उनका कोई एड्रेस तो था नहीं उसमें, तो उनको सुना देते कि अपने कल्याण को देखा ये जो लेख छपा है इसके जो लेखक है शांतनु के आदि थे उस उनका एड्रेस के लिए आपके पास हो, उन्होंने कहा एड्रेस हमारे पास नहीं है, आप पत्र भेजोगे तो आपको पत्र उनके पास पहुंचा।
उस समय महाराज जी तो संन्यास ले चुके थे और परमहंस आश्रम में रहते थे। इन्होंने फिर महाराज जी को पत्र लिखा, महाराज जी तक पहुंच गया, उसमें लिखा था कि हम आपके पास रह करके और सत्संग के लिए आना चाहते हैं, तो यदि आपकी आज्ञा हो और रहने की व्यवस्था भी हो सकती हो तो हम आ जाए। तो उनका जो जवाब गया महाराज जी ये था, मैं किसी को बुलाता नहीं और कोई आता है तो उसको पता था। तो गौर करने में यहाँ आ गए परमहंस आश्रम नहीं गए। ये अष्टावक्र गीता जो है उसी समय महाराज जी की बोली हुई और गीता भी ज्यादा देखने का। तो बंधु का बंधु आना मतलब जो आ गया उसके वो बंधु, ये इन सब चीजों से मालूम पड़ जाता।